वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू चैप्टर 8 स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. ओके, सो अटेंड टू मी. नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी. बच्चों, नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है सिस्टम है. इट कंट्रोल्स ऑल अदर बॉडी सिस्टम्स एंड सेंस ऑर्गन्स. यह दूसरे बॉडी सिस्टम्स और सेंस ऑर्गन्स को जो है कंट्रोल करने का काम करता है. ऑल द एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, लाफिंग, थिंकिंग एंड लर्निंग आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. वॉकिंग है, लाफिंग है, थिंकिंग है, लर्निंग है, इस सभी को जो है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम. ओके, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो है उसका जो है थ्री मेन पार्ट्स हैं. अब हम जानते हैं ब्रेन के बारे में. द ब्रेन इज लाइक ए मास्टर कंप्यूटर एंड कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी. ब्रेन जो है एक तरह से मास्टर कंप्यूटर जैसा जो है वर्क करता है और ये हमारे बॉडी के सारे एक्टिविटीज को जो कंट्रोल करने काम करता है. द ह्यूमन ब्रेन इज ग्रे पिंक इन कलर एंड लुक्स लाइक ए वॉलनट. ह्यूमन ब्रेन जो है ग्रे पिंक कलर का होता है और ये वॉलनट के जैसा जो है दिखने में लगता है. इट हैज मैनी फोल्ड्स ऑन इट्स सरफेस. इसके सरफेस पर बहुत सारे फोल्ड्स हैं. इट इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. कहां पर है? तो स्पाइनल कॉर्ड के जो है टॉप पर है. द ब्रेन इज वेरी डेलिकेट. ब्रेन इज सराउंडेड बाई ए बोनी बॉक्स इन साइड द स्कल. ये बहुत ही डेलिकेट है. ब्रेन जो है स्कल के अंदर जो है बोनी बॉक्स के द्वारा जो है सराउंडेड रहता है. द स्कल प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम शॉक्स एंड जर्क्स. स्कल जो है वो इसको जो है शॉक्स और जर्क से जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है. ब्रेन इज ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई ए फ्लूड कॉल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड प्रेजेंट बिटवीन द मेम्ब्रेन्स. ब्रेन जो है वो आपको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूड के द्वारा भी प्रोटेक्ट होता है जो मेम्ब्रेन्स के बीच में पाया जाता है. अब जानिए सेरिब्रम के बारे में. इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है. इट हैज मैनी फोल्ड्स एंड ग्रुप्स. इसमें बहुत सारे फोल्ड्स और ग्रुप्स हैं. इट हेल्प्स अस रिमेंबर थिंग्स, अंडरस्टैंड मीनिंग्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. यह हम लोगों को जो है थिंग्स को रिमेंबर करने में, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करने का काम करता है. दस इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस. इसीलिए इसको हम लोग सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं. इट ऑल्सो कंट्रोल आवर सेंस ऑर्गन्स. ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करने का काम करता है. ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे बताएंगे. थैंक यू.